हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वे शो। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होंगे कि आज हम बनाने जा रहे हैं सफेद कद्दू के पकोड़े। नॉट एक्चुअली सफेद कद्दू के पकोड़े, सरे हुए सफेद कद्दू के पकोड़े। तो इसका टेस्ट यूनिक आता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कद्दू को सराना होगा, पूरी कद्दू को नहीं, कद्दू के जो बीज वाला हिस्सा है, मतलब शीर्ष वाला हिस्सा, जो नरम हिस्सा है, शीर्ष रहता है जहाँ पर, उस हिस्से को आपको काट के निकाल लेना है। उसे आपको स्टोर करके रखना है सड़ने तक, यानी 5-6 दिन तक। इससे क्या होता है, सर जाता है, पूरा नहीं, आधा सर जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, इसे अच्छी तरह से पानी से धो लेना है। धोने के बाद इसे आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, कोई भी एक्स्ट्रा पानी नमक वगैरह ऐड नहीं कीजिएगा। जो है हमने ग्राइंड कर लिया इसे। तो अभी हम इसमें मिलाएंगे जो पकौड़े में आमतौर पर मिलाया जाता है, जैसे ये चॉप्ड ऑनियन हो गया, और यहाँ पर मिर्ची भी हमने ऐड कर दिया। तो अभी हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा बेसन। तो इसमें बेसन के साथ साथ हम थोड़ा सा राइस फ्लोर यानी चावल का आटा भी ऐड करेंगे। आधा जितना हमने बेसन दिया उससे आधा हम चावल का आटा यूज़ करेंगे। नमक भी ऐड कर दिया। तो अभी थोड़ा सा हल्दी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये तो हो गया नॉर्मल पकौड़े की रेसिपी। तो आप अभी आप चाहे तो इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और सोडा भी ऐड कर सकते हैं। तो खाने की सोडा हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जब पकौड़े तलेंगे तो इसकी कलर काफ़ी निखर के आएगी। हल्दी और सोडे का एक क्रिएशन होता है, ठीक है। तो ये पकौड़े का बैटर बन के तैयार हो गया है। तो चलिए, अभी तेल भी गर्म हो गया है। तो अभी तेल में इस तरह से छोटे छोटे करके हम पकौड़े डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो रेसिपीज़ है वो वक्त के साथ खो गया है, मतलब ऐसे बहुत सारे रेसिपीज़ है जो लोग आजकल भूलने लगा है। तो मेरे इस चैनल के ज़रिए मैं आपका, मेरा कोशिश यही होगा आपको उस रेसिपी को ढूंढ के आपके सामने लाओ। ओनली वेजिटेरियन रेसिपी, वो चाहे आसाम के किसी कोने का हो, या दिल्ली का किसी कोने का हो, या हिमालय के किसी कोने का हो, मेरी कोशिश रहेगा उस रेसिपी को लाकर आपके सामने पेश करना। इस चैनल का उद्देश्य यही है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को भी आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। काफ़ी अच्छा टेस्ट इसका आता है, और इस थोड़ा सा खट्टापन इसमें आएगा। आपको अलग से आमचूर पाउडर वगैरह यूज़ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके जो पकौड़े काफ़ी ज़्यादा क्रंची बनते हैं, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा चावल का आटा का भी यूज़ किया और बेकिंग सोडे का भी यूज़ किया। तो कुल मिला के एक काफ़ी क्रंची पकौड़े बनने वाला है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।